जय हिंद दोस्तों। क्या आपके भी घुटने में एंकल में कटकट आवाज़ आता है, बहुत ज़्यादा दर्द देता है, आपका सीन पेन बहुत ज़्यादा होता है, आपका मसल्स पेन बहुत ज़्यादा होता है, और एक और बात आपको यह होता है कि जब आप आपका पेन होता है तो आप कुछ दिनों के लिए रेस्ट करते हैं तो आपका ठीक हो जाता है, लेकिन जब आप वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो फिर सेम चीज़ होने लगता है। तो यह वीडियो बस आपके लिए, अगर आपके मसल्स में, आपके बोन में, आपके जॉइंट में दिक्कत होता है तो यह वीडियो में आपको बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक बताए हुए हैं, और वीडियो के लास्ट में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताएंगे जिसको अगर आप फॉलो कीजिएगा तो बस आप एक से डेढ़ महीना अगर इसको आप फॉलो कर लेते हैं तो आपके जॉइंट का, आपके हड्डियों का शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप अपना रनिंग, अपना स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से इंप्रूव कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट टिप्स हम आपसे बात करते हैं। वह पहला जो टिप्स है वो है ओवरलोड ट्रेनिंग। बहुत लोग क्या करते हैं कि ओवरलोड ट्रेनिंग करते हैं जिनके कारण उनके मसल्स में, उनके जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है और बहुत दिन तक ये चलते रहता है। तो आपको ओवरलोड ट्रेनिंग नहीं करना। ओवरलोड ट्रेनिंग का मतलब क्या हुआ कि आपके बॉडी के क्षमता से ज़्यादा वर्कआउट करना। आपका बॉडी का क्षमता है 5 किलोमीटर रनिंग तक करना और आप 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर तक वर्कआउट कर लेते हो, और खास करके आप रनिंग कर लेते हो हार्ड सरफेस पे, वर्कआउट कर लेते हो हार्ड सरफेस पे, जैसे कि रोड रनिंग हो गया, हार्ड सरफेस पे वर्कआउट हो गया, या जो कुछ कुछ चीज़ें हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। आपके एंकल में, आपके नी में, आपके बोन में बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट होने लगता है और ये लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है। तो ये हो गया हमारा पहला कारण और पहला टिप्स। तो चलिए आइए हम आपको दूसरा टिप्स, दूसरा कारण बताते हैं। वह यह है कि डेली खींचना। आप क्या करते हो कि डेली ग्राउंड जाते हो और आप अपना हर दिन कोशिश करते हो 100% लगा के, आपका जैसे 1600 मीटर का टाइमिंग 4:40 आ रहा तो आप कोशिश करोगे उसको 4:35 कर दें, तो यह हमेशा गलत आपके लिए साबित हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप हर दिन अपना बॉडी का 100% दे रहे हो, जिसके कारण आपका मसल्स हो गया, आपका जो जॉइंट हो गया, आपका हड्डी हो गया, उस पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है जिसके कारण आप इंजर्ड हो जाते हो और ये लॉन्ग टर्म तक भी कभी कभी चल सकता है। और आगे मैं आपको सब कुछ बताऊँ इसका इलाज किस तरह से, इसको किस तरह से आप हमेशा के लिए ठीक कर सकते हो, सब कुछ बताऊँ। अब जो तीसरा कारण होता है आपके मसल्स, आपके जॉइंट, आपके पैरों में हमेशा दर्द देने का, वह यह होता है कि आप अच्छे से वार्म अप नहीं करते। आप ग्राउंड जाते हो, अपना वर्कआउट स्टार्ट कर देते हो और वार्म अप के साथ साथ आप अच्छे से वर्कआउट के बाद कूलिंग डाउन और स्ट्रेचिंग भी नहीं करते। तो इन तीनों पे आपको अच्छे से फोकस करना, अगर आपको एक अच्छा लेवल का परफॉर्मेंस को अचीव करना है तो ये तीनों चीज़ को आप अपने वर्कआउट में जरूर जोड़िए। जितने भी नेशनल इंटरनेशनल धावक है, चाहे एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है, ये तीनों वार्म अप, कूल डाउन और स्ट्रेचिंग अपने वर्कआउट में जरूर जोड़ता है। तो ये तीनों चीज़ों को जरूर जोड़ना है, जरूर से जरूर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और रनिंग का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए सबसे आसान और सबसे अच्छा चीज़। तो ये हो गए हमारे तीसरे कारण। जब हम बात करते हैं हमारे चौथे कारण की, जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है वो डाइट फैक्टर। अगर आप एक अच्छा डाइट नहीं ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं तो आप इंजर्ड हमेशा रहोगे। आप कुछ पल के लिए ठीक हो जाओगे, फिर इंजर्ड हो जाओगे। ये क्यों होता है? जब आप वर्कआउट करते हो आपके मसल्स पे, आपके जॉइंट पे, आपके बोन पे स्ट्रेस पैदा होता है और साथ ही साथ उसको रिकवरी करने के लिए बहुत सारे माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। माइक्रो में जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, इन तीनों चीज़ों का आपको अच्छे मात्रा में प्रयोग करना बहुत जरूरी है, और माइक्रो में आ गया विटामिन एंड मिनरल्स। देखिए, बार बार आपके हड्डियों में, बार बार आपके पैरों में, बार बार आपके मसल्स में दर्द होने का सीधा, जो सबसे सटीक आंसर कोई पूछा जाए क्यों हो सकता है, तो वह यह होता है कि आपके शरीर में कैल्शियम विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसके कारण यह आपका बार बार होता है। तो आप इसको किस तरह से दूर कर सकते हैं? आप कैल्शियम रिच डाइट ले सकते हैं। आप दूध से जितने भी बने हुए प्रोडक्ट है आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आप ग्रीन वेजिटेबल का उपयोग कर सकते हैं, और साथ ही साथ जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपका जो जॉइंट होता है, ठीक है, जॉइंट में जो लिक्विड होता है वो भी हल्का हल्का कम होने लगता है आप अगर अच्छा डाइट नहीं लेते। तो आप कैल्शियम एंड विटामिन D3 रिच डाइट जरूर लें, और साथ ही साथ 10 से 15 मिनट धूप में जरूर व्यतीत करें। इससे आपके बॉडी में जो विटामिन D3 की कमी है वो दूर होगा और आपका जो बोन और मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन रहता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की कमी है तो आप एक सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। वो है न्यू हर्ब का ट्रू विटामिन। इसमें आपको 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्थ विटामिन मिल जाएंगे और 8 हेल्थ मिनरल्स मिल जाएंगे, जो कि आपका ओवरऑल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, ओवरऑल आपका हेल्थ को अच्छा करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसमें आपको विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट विटामिन एंड मिनरल्स मिल जाएंगे जो कि आपका ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे कि विटामिन ए हो गया, आपके आँखों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। विटामिन डी हो गया, आपके हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसी तरह बहुत अच्छे विटामिन एंड मिनरल्स इसमें मिल जाते हैं जो कि आपके बॉडी में विटामिन एंड मिनरल्स की कमी को दूर करता है और साथ ही साथ आपका ओवरऑल स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस और आपका जो वीकनेस लगता है आपके शरीर में उसको भी दूर भगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और साथ ही साथ इसमें आपको मिल जाएगा जिनसिंग। जिनसिंग है जो कि आपका वीकनेस को दूर करता है, आपके बॉडी में एनर्जी को बढ़ा के रखता है और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो आप इस सप्लीमेंट को भी ऐड कर सकते हैं जब आप बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि वीक होने के कारण हम बार बार इंजर्ड हो जाते हैं, तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार जाकर वहाँ पर चेक कीजिए, आप प्रोडक्ट को एक बार यूज़ कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और आपका ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।
तो दोस्तों यह हुआ चौथा और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कारण। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप वर्कआउट वगैरह करते हो तो कुछ दिन के बाद आपका दर्द स्टार्ट होता है, फिर आप छोड़ देते हो ठीक हो जाता है, फिर आप स्टार्ट करते हो फिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो यह चीज़ अगर आप फॉलो कीजिएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो जब हम बात करते हैं हमारे पाँचवें कारण की, तो वह होता है लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन के चलते भी कभी कभी आपके पैरों में आपके मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द रह जाता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि आप जब वर्कआउट करते हो तो आप थोड़ा जब एक्स्ट्रा वर्कआउट करते हो तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारे मसल्स में थोड़ा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो उस समय एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है लैट्रेट, जिसको लैक्टिक एसिड बोलते हैं, जो कि आपका जो आपका थोड़ा तीखा तीखा का दर्द स्टार्ट होता है, ठीक है, आपका मसल्स हल्का हल्का खिंचाने लगता है, वह भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। आप इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप पीछे वाला अच्छा से डाइट ले सकते हैं, दूसरा चीज़ आप अच्छे से पानी पिए, तीसरा चीज़ आपको ऑरेंज जूस का आप सेवन कर सकते हैं, ठीक है, और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि आप जब वर्कआउट करते हैं तो आप रिकवरी कम रखें और रेपिटेशन को ज़्यादा लगाएं। समझिए एक बार आपको क्या करना है कि आप जब वर्कआउट करते हो तो आप वर्कआउट के बीच में जो रेस्ट का पीरियड होता है उसको कम कीजिए और वर्कआउट का जो इंटेंसिटी है उसको भी लो रखिए, लेकिन वर्कआउट का जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा कर रखा करें। यह चीज़ अगर आप फॉलो कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। कुछ दिनों के बाद आपका बॉडी धीरे धीरे अडोप्ट होने लगेगा और उसके बाद आप खुद ब खुद अच्छा परफॉर्मेंस देने लगोगे। तो यह हो गए हमारे पाँचवें कारण। जब हम बात करते हैं हमारे छठे कारण की, तो वह यह होता है इनएडिक्वेट रेस्ट, मतलब कि आप प्रॉपर रेस्ट नहीं ले पाते। आप कम से कम 7 घंटा का जरूर स्लीप लें, ठीक है। अगर आप स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हैं, आप क्या करते हैं, रात भर पबजी खेलते हैं, तो जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकता है। आपका नींद पूरा नहीं होगा, जब आपका नींद पूरा नहीं होगा तो आपका मसल्स रिकवर नहीं हो पाएगा, जब आपका रिकवरी प्रोसेस स्लो होगा तो आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत नीचे आएगा और 100 तरह की इंजरियाँ होगी जो आप संभाल भी नहीं पाओगे और आपका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ऐसे जाते जाते ऐसे हो जाएगा, ठीक है, अपवर्ड जाते जाते डायरेक्ट डाउनफॉल में आ जाएगा और आप बहुत बड़ा इंजरी का भी शिकार हो सकते हो। ये हो गया हमारे छठे कारण। जब हम बात करते हैं हमारे सातवें कारण की, तो वह यह होता है कि आपका दर्द दे रहा लेकिन फिर भी आप कंटिन्यूस बहुत ज़्यादा वर्कआउट किए, लोड पे लोड दिए हो, तो वो क्या होता है, और ख़राब हो जाता है, एकदम बद से बदतर सिचुएशन में चला जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो आप भले ही 2 से 3 दिन रेस्ट कर ले, अगर आप 3 दिन नहीं रेस्ट कीजिएगा तो फिर आपको 3 महीना रेस्ट करना पड़ेगा, ऊपर से सप्लीमेंट मेडिसिन वगैरह अलग लेना पड़ेगा और डॉक्टर का खर्चा अलग, ठीक है। तो आप 2 से 3 दिन रेस्ट कर लीजिए, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, तो आप रेस्ट कर लीजिए, जो कि आपके लिए आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा डिसीजन साबित होगा, ठीक है। और साथ में मैं आपको एक बात बताने वाला था लास्ट में, एक टिप्स, वह है सरसों का तेल। सरसों का तेल जब आप रात में सोते हो तो हर दिन हल्का सा मालिश करके लगा के सो, जब आप 1 से 1.5 महीना तक ये चीज़ कर लेते हो, जो आपका सीन पेन होता है, मसल्स पेन होता है, वो नहीं होगा। सरसों के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं और ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपका पेन को, आपका बोन को मजबूत करने में, आपका जॉइंट को स्ट्रेंथन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो बस आप 1.5 महीने तक सरसों का तेल का ही प्रयोग कीजिए, आपको खुद ब खुद बेनिफिट दिखेगा। और आपने बचपन में देखा भी होगा कि अपने माँ के हाथों की मालिश पूरा होता है सरसों के तेल से, ठीक है। वो इसलिए होता है कि सरसों का तेल आपका बोन को मजबूत कर देता है और आपका फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही था, इंपॉर्टेंट टिप्स। अगर आपको बार बार ये चीज़ें होती है तो ये सारे चीज़ को आप फॉलो कीजिए, और ये सारे चीज़ जो जो मैं बताया हूँ नहीं करने का, तो वो नहीं करना है, ठीक है। धीरे धीरे आपका टाइमिंग जरूर इंप्रूव होगा और इसी तरह के इंपॉर्टेंट टिप्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्त मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।